नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कई स्टेट में अभी PCS के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी PCS है, MP में भी है, और भी कई एग्जाम होते हैं जिनमें आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपका उन्हीं वीडियो में से एक है जो टॉप क्वेश्चंस लेकर आया है हर एग्जाम में पूछे जाने वाले आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, आने वाले भी एग्जाम में श्योरली चांसेस है 101% पूछे जाएंगे, तो वीडियो को देखकर नोट्स जरूर बना लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लगभग 5000 to 6000 क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम इसके लिए पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा के से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह तुलना की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया था। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो विलियम वेडन बर्न को ये गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी कि महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। एटली मंत्रिमंडल में 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की किस मिशन का अध्यक्ष कौन था इस मिशन का? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो विंस्टन चर्चिल ने यह बात कही थी। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य थे ही नहीं। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था, इसका अनुमोदन हुआ था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो 1947 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? तो इनमें से जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और सर विलियम बैडनबर्न बंबई में अधिवेशन में अध्यक्ष थे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? तो एओ ह्यूम शिमला के सन्यासी के नाम से विख्यात थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन विख्यात थे? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता था? तो महात्मा गांधी जी को रिक्रूटिंग सर्जेंट की उपाधि या इसके नाम से जाना जाता था। किस आयोजना या किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? अगस्त प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकारी भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चित ही उन रियासतों की होगी, ये कथन किसके हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी के कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था, तो कौन थे वो? शंकर नायर जी थे। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? तो 1914 में ये घटना हुई। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन जो कि 1943 में हुआ था, डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा, ये कथन किसके हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ही कथन है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी, इस कमीशन का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेट एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने यह विद्रोह किया। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं।
20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो एटली ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि धारण किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक जी के लिए लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में जनरल ओडायर की गोली मारकर किस क्रांतिकारी ने हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहां रखा गया था? तो आगा खां के महल जो कि पुणे में है वहां पर रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, यह अधिवेशन कहां हुआ था? अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन के अग्रणी थे। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिन के क्राउन की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1920 में बंबई में लाला लाजपत राय ने ये काम किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने यह संज्ञा दी थी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 3 बार की, 86 में, 93 में और 1906 में अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहां और कब की? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में की। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? तो मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता को ये उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया? मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में ये नारा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय जो थे उन्होंने ये कहा था। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? तो कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, जॉर्ज पंचम उनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के क्लाइमेट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल के ऊपर ये मुकदमा चलाया गया। रॉयल इंडिया नेवी ने कब विद्रोह किया था? फरवरी 1946 में विद्रोह हुआ था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? 1940 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। अभिनव भारत क्या था? तो अतिवादी संगठन था ये। अभिनव भारत के स्थापनाकर्ता कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पता हो तो आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया? किस वायसराय के शासनकाल में इंडिया पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनन के शासनकाल में ये काम हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में आया था? तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? तो लुई फिशर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूमि भाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ? तो सूरत के अधिवेशन 1907 में। कौन से नंबर का अधिवेशन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो दीन बंधु मिश्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथा नक किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? अमृत बाजार पत्रिका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? अमार सोनार बांग्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1929 में लिट्से आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1916 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी कि काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनने का आह्वान किया? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने ये आह्वान किया। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो बारदोली आंदोलन से संबंधित था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर है इसका लंदन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की? अहमदाबाद में की। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति के संगठन से संबंधित हैं? अभिनव भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित हुआ था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1947 को की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लाइमेट एटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? तो वीडी सावरकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था? तो किसान विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था किया गया। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्य में हुआ? तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में हुआ। देसी रियासत कौन सी थी वो जिसमें जनमत संग्रह कराया गया? जूनागढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। वासुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो रामोसी किसान आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी विराजानंद दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उनमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन के द्वारा प्रयास किया गया? तो अहमदिया आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन हुआ। किसने किया गदर पार्टी का गठन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर के अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ। नागपुर अधिवेशन में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, नोट कर लेना। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित हैं? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित हैं। रोलेक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? तो पूना पैक्ट से रद्द हो गया था। ट्रावन कोर में वहाँ के दीवान वैली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती जातियों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस वर्ष किस विद्रोह से मानी जाती है? 1857 का विद्रोह इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनन ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? इलाहाबाद के दरबार में ये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है? किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? करौली इसका सही उत्तर हो जाएगा। करौली क्षेत्र के अधिग्रहण को। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हैबिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? सर सैयद अहमद खान इसका सही उत्तर हो जाएगा।
पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुई थी। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? तो चटगांव आर्म्स डकैती का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई थी। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैक्सवेल ब्रैमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली सत्याग्रह सही उत्तर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार स्थापित की थी? चित्तू पांडे। समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? सतारा की थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू नाम के दो व्यक्तियों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन किसका है? तो पी ई रॉबर्ट्स का कथन है। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने किया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाम्स्टन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप पूछा गया यह स्क्रीन पर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में हुई। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? 1920 में बीआर अंबेडकर ने की। 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में हुआ। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था? रॉलेट एक्ट राइट आंसर है। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक कौन थे? तो विद्रोह अशोक मेहता ने लिखा था और भारतीय स्वतंत्रता वीर सावरकर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1857 के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी को काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, वह अधिकार पुनः किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो महारानी की घोषणा पत्र 1858 के द्वारा ये अधिकार फिर से प्राप्त हो गया था। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसने किया? तो बीपी बाडिया ने 1918 में इस यूनियन का निर्माण किया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम एन रॉय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 1936 में स्थापना हुई, लखनऊ में अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारित तथा उसे माफ करने से इनकार करने के लिए आंदोलन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया? रॉलेट एक्ट लागू होना। हॉर्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो रास बिहारी बोस सही उत्तर हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? मंगल पांडे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी दत्त थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां व किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था? तो एम एन रॉय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर है? अडयार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आयोग ने मुकदमा चलाया? तो राजद्रोह के आरोप में बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में मुकदमा चला था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ, की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा जाता है? तो नवाब सिराजुद्दौला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या हुआ? तो रंगून निर्वासित कर दिया गया था। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारित तथा उसे माफ करने में मना करने के लिए आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन।
भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे आधुनिक भारत से रिलेटेड पूछे जाने वाले एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। आगे के पार्ट में आपको कंप्लीट कराऊंगा धीरे धीरे, एक के बाद एक के बाद एक पार्ट में। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कम से कम 3000 प्लस क्वेश्चन हैं, तो पार्ट्स में बने रहिएगा। लिंक को शेयर करके अपने दोस्तों को भी सचेत कर दीजिए कि अगले पार्ट का वो भी वेट करें, और आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे नेक्स्ट पार्ट जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पर आप हमारे चैनल पर होने वाली लाइव क्लासेस का टाइम टेबल देख रहे हैं, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप हमसे लाइव पढ़ने भी आ सकते हैं। चैनल पर डे लाइव क्लास होती है, रोज़ आप पर डे आ सकते हैं। या आप इससे पहले वाली क्लासेस के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, सारे दिन के लाइव क्लास के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप सब वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।